ठीक है मित्रों, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब कुल मिला के आप इसको ऐसे देखिए कि हमारे पास अभी तक मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था, आइसोमेरिज में स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट था। अब हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन 3D डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। अब ये 3D डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने से जो आइसोमेरिज क्रिएट हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया, स्टीरियो आइसोमेरिज। तो आप अजीब सा सोचेंगे कि ये 3D डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये मेरा शरीर है, सही है, सर, और ये क्या है, धड़। समझना, बिल्कुल सिस्टमेटिक लग रहा है। ये सर किससे जुड़ा हुआ है, धड़ से। गलती से कट जाए और दोबारा जोड़ दिया जाए, लेकिन उल्टा जोड़ दिया जाए, समझ में आ गया ना, यानी उल्टा जस्ट अपोजिट जोड़ दिया जाए, तो अरेंजमेंट तो वही है, धड़ के ऊपर सर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। तो जो नई चीज बनेगी वो उसकी स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं कहला के, अब वो क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमें यही डिस्कशंस करना है, स्टीरियो आइसोमेरिस। तो स्टीरियो आइसोमेरिस की क्या डेफिनेशंस होगी, लिखिए मेरे साथ ही, स्टीरियो आइसोमेरिस। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। बट डिफरेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्ट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आप और अच्छे से लिख सकते हैं, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कॉल्ड स्टेरियो आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिस। स्टेरियो आइसोमर्स अगेन डिवाइडेड बाय स्टीरियो आइसोमेरिस अगेन डिवाइडेड बाय फर्दर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल। समझ में आ रहा है? तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस हमारा मेन टारगेट अब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस को समझना। देखिए यहां हमारे लिए क्या होगा, आइसोमर्स जनरेट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड। और साइक्लिक पोजीशंस, यानी हम ये चीज समझ नहीं पा रहे कि इस डबल बॉन्ड और साइक्लिक पोजीशंस की वजह से क्या है, क्यों जनरेट हो रहे हैं। तो पहले केस फर्स्ट, साइक्लिक से हम डबल बॉन्ड से समझते हैं, डबल बॉन्ड से हम इसको कैसे समझेंगे, ये हमारे पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड होने के बाद भी कार्बन की कितनी वैलेंसी और बाकी रहेगी? दो। तो यहां हमारे पास दो अलग वैलेंसी अभी भी बाकी है। अगर आप सिंगल बॉन्ड को देखते हैं तो उसमें रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं तो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यानी इस तरह का मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं, अगर आप बात करेंगे ये क्या रोटेशन पॉसिबल है, हाँ आप किसी को एक हाथ से पकड़े आराम से रोटेट कर सकते हैं, आराम से इजी वे में। लेकिन अगर आप किसी को दो हाथ से पकड़ रहे हैं तो रोटेशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दो हाथ से पकड़ लिया, लॉक कर दिया, इधर से घूमेगा तो दो जगह से आपने पकड़ रखा है, तो रोटेशन इतना आसान नहीं होगा कि वो रूम टेम्परेचर पर हो जाए इजीली, या थोड़ा बहुत हीटिंग करने पे हो जाए, नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अब उससे क्या होगा भाई, रोटेशन तो पॉसिबल यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन फायदा क्या है इसमें? ये फायदा है कार्बन की चार वैलेंसी है, तो जो बाकी की दो वैलेंसी जो ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो नीचे वो नीचे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बात करते हैं कि मान लीजिए ए ऊपर है और बी नीचे दोनों तरफ, तो एक केस हो गया। और एक केस ये भी हो सकता है कि ए ऊपर है बी नीचे है एक कार्बन में, और दूसरे कार्बन में बी ऊपर है ए नीचे, तो इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। क्या फर्क पड़ गया है? देखिए आप ही मेरे को बताएं, यहां जो डिस्टेंस है ए ए के बीच में मान लीजिए वो एक्स है, और यहां जो डिस्टेंस है ए ए के बीच में वो मान लीजिए वाई है, तो क्या ए एंड वाई अलग अलग होगी? हाँ। दूसरा ए वाई बी में ये वाला कंपाउंड इसमें चेंज नहीं हो सकता, यानी ये आपस में चेंज नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स भी कहलाएंगे। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो रही है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी अगर आप सिंपल सा सोचे कि ये ऐसे होगा तो आप पहले तो इसको काटिए, ये कन्वर्ट नहीं होगा। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको मॉडल से समझाऊंगा। देखो ध्यान से, ये आपके पास है, क्या लग रहा है आपको? दोनों पिंक ऊपर ऊपर है, क्या आप इसको रोटेट कर पा रहे हो? नहीं, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको ये बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये एक पाई है जिसने इसको इतनी अच्छे से होल्ड कर रखा है कि अब ये रोटेशन नहीं होने देगा। कोई डाउट नहीं है ना? तो ए ए के बीच में ऊपर डिस्टेंस अलग आएगी, लेकिन यही चीज अगर नीचे आता है इस तरह से होता तो क्या ये डिस्टेंस पहले से अलग होती या नहीं होती? होती। लेकिन इस पहले वाले कंपाउंड को इस काले कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या बॉन्ड तोड़ना पड़ा? सिग्मा। क्या सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है रूम टेम्परेचर पे? नहीं ना। तो क्या ये पहले वाला कंपाउंड इसमें चेंज हो जाएगा? नहीं, ये एक अलग कंपाउंड होगा और वो एक अलग कंपाउंड था। तो ऐसा कब हो रहा है? जब आपका रोटेशन बैरियर हो। बैरियर का मतलब रोकना, रोटेशन का मतलब रोटेट करना है यहां पर, तो रोटेट को बैरियर का काम कर रहा है, तो रोटेशन बैरियर हमारे पास हो गया, तो अब ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे और हमें दो आइसोमर्स मिल रहे हैं, और दोनों आइसोमर्स को अब हम क्या नाम दे रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यानी हम अगर हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं ड्यू टू बैरियर ऑफ रोटेशन, तो हम उसे किस में रखेंगे? इस कंडीशन में रखेंगे। तो मेरे दिमाग में अगला पॉइंट आया कि ठीक है आपका एल्कीन के अंदर हो गया, एल्काइन में भी हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए अगर आप एल्काइन को देखते हैं, एल्काइन में भी रोटेशन बैरियर नहीं होगा, नहीं होगा। क्या ये रोटेशन बैरियर होगा? पॉसिबल है? नहीं। लेकिन एल्काइन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मान लीजिए यहां ए एटम है और इस तरफ बी एटम है, अब बची तीन बॉन्ड के बाद कार्बन के पास वैलेंसी एक है, तो ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब आप ऊपर नीचे का सवाल, यानी कि पोजीशन ही एक ही बनेगी, और केवल एक पोजीशन की वजह से ये आइसोमेरेज नहीं शो कर सकती। तो केवल कौन शो कर पाएंगे? अगर हम बात करें नॉर्मली तो हमारे लिए कौन शो कर पाएंगे? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट शो जीआई बिकॉज आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन गेटिंग ओनली वन वैलेंसी एंड ओनली वन ग्रुप कैन अटेस्ट, सो नो पोजिशंस क्रिएट अप एंड डाउन, एंड नो अप एंड डाउन पोजिशन क्रिएट नो जी आई जनरेट। कोई समझ में आया? तो ये आपके लिए हो सकता है एक पॉइंट, यानी यहां पर जो आपके ए और बी के बीच की डिस्टेंस होगी वो फिक्स हो गई एक्स, वाई पोजिशन हो ही नहीं सकती। आप चाहो तो इसको उल्टा करोगे,
मान लिया आपने कह दिया मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं बी यहां अटैच कर देता हूं और ए इस तरफ कर देता हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मुझे तो एक ही डिस्टेंस मिलेगी, आप भले ही इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, और ये डिस्टेंस भी एक्स ही है और सेम प्रॉपर्टी है, सब कुछ सेम है, तो यानी ये दोनों कंपाउंड एक ही है, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर कोई दो कंपाउंड है और वो जीआई भी शो कर रहे हैं सपोज, और स्ट्रक्चर भी शो कर रहे हैं, तो हम किसको टिक करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी होती है स्ट्रक्चर की, फिर ज्योमेट्रिकल की, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिस की। और स्ट्रक्चर के अंदर भी सबसे पहले आपको मैंने बताया ही है रेक्टिफिकेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम, यानी कि रिंग चेन, ट्यूटोमर्स, फंक्शनल, मेटामर्स चेन एंड देन पोजीशन, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल और उसके बाद ऑप्टिकल, यानी हमें एक ही आंसर टिक करना है क्वेश्चन में, ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले जब भी आप आइसोमर्स देखो तो सबसे पहले क्या रूल देखोगे कि वो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला रखते भी हैं या नहीं, सबसे पहले तो वही देखोगे, यानी कि उनकी डी ओ यू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है या नहीं है, कार्बन सेम है या नहीं है, ऑक्सीजन सेम है या नहीं है, फिर उसके बाद ये पता चल जाए कि आइसोमर से, तो फिर आप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि ये कौन से आइसोमर है, सिर्फ एक ही शो करना है आपको। या सुनो, तो ये आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लिखें जल्दी से, ठीक है। तो वापस हम बात कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये पॉइंट आ रहा है हमारा कि भाई क्या एल्कीन दे सकती है? हाँ। क्या सारी एल्कीन दे सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कि पहले तो हमें ये करना है कि कौन कौन दे सकता है और किस किस पोजीशन पे दे सकता है। तो एल्कीन में एल्कीन जीआई शो कर सकती है, लेकिन कब? ध्यान से सुनना, एल्कीन जीआई इन एल्कीन, तो जीआई इन एल्कीन कैसे सोचते हैं आप? जीआई इन एल्कीन, बहुत सही पॉइंट है, यानी सारी एल्कीन जीआई नहीं शो करेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, सिर्फ कुछ ही जीआई आपके लिए एल्कीन शो करेगी, लेकिन कौन सी, बात वही आता है कौन सी। तो पहले तो ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको इस तरह से दिमाग लगाना है कि क्या दो पोजिशन हो सकती है डिस्टेंस वाइज। तो देखिए यहां पर, अगर यहां पर दोनों में से एक ही जगह ए ए जुड़ जाए और यहां ए बी जुड़ जाए, इज दैट क्लियर, तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों तरह की एक साथ मिल जाएगी। अब ये बी ऊपर हो या नीचे हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या डिस्टेंस वाइज? दोनों डिस्टेंस मिल रही है आपको एक्स और वाई हर एक पोजीशन पे। तो आपने इसको क्या कर दिया, क्या कॉम्बिनेशन बना दिया, यदि एल्कीन के किसी भी एक कार्बन पर दोनों वैलेंसी एक ही एटम से जुड़ जाए तो जीआई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां आपके पास क्या पॉइंट लिखेगा, इफ बोथ, यानी दोनों, यानी टू जो वैलेंसी, बोथ वैलेंसी ऑफ एल्कीन, बोथ वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑफ एल्कीन अटैच्ड विद सेम एटम और ग्रुप, सेम एटम और ग्रुप then it do not show GI। तो आप क्या इसके लिए GI बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही एटम बन गए, आपको AB के अंदर ये वाली डिस्टेंस भी मिल रही है और ये वाली डिस्टेंस भी मिल रही है। अब ये B ऊपर होगा तो भी यही मिलेगी, यानी X भी मिल रहा है और Y भी मिल रहा है। तो अब आप मेरे को आसान भाषा में बताएं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, विच ऑफ एल्कीन कैन शो जी आई? ए ऑप्शन, ए बी सी डी, बी ऑप्शन ए सी बी
थ्री ऑप्शंस, ए बी बी ए, डी ऑप्शंस ए बी सी सी, ई ऑप्शंस एच एच सी एच थ्री एच, एफ ऑप्शंस जी ऑप्शंस एच ऑप्शंस आई ऑप्शंस जे ऑप्शंस के ऑप्शंस एल ऑप्शंस एम ऑप्शंस एन ऑप्शंस तो ये कुछ एक ऑप्शन है जो आपको बताने हैं कि ये जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। और मैंने आपको एक चीज बताया है बहुत आसान भाषा में कि आपको बस ये देखना है कि एक कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम है या नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, फिर साथ साथ करेंगे, क्या ए शो करेगा? इस कार्बन पे देखिए, इंडिविजुअली कार्बन पे देखना है तो यहां पर इंडिविजुअली कार्बन वर्ड और ज्यादा अच्छा होता है। इफ बोथ द वैलेंसी ऑफ इंडिविजुअली कार्बन इंडिविजुअल कार्बन ऑफ एल्कीन अटैच विद सेम एटम और ग्रुप देन इट डू नॉट शो, डू नॉट शो के नीचे अंडरलाइन और जी आई के नीचे अंडरलाइन, और अटैच्ड विद सेम एटम्स के नीचे अंडरलाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये सेम एटम रख रहे हैं इंडिविजुअली? नहीं। क्या ये सी और डी सेम है? नहीं। तो क्या ये जी आई शो करेगा? हाँ, ए जी आई शो करेगा। बी को देखो, क्या इस कार्बन पे ए सी सेम है या नहीं है? अलग है। बी ए सेम है या अलग है? अलग है। समझ में आ रहा है? तो अलग है तो ये जी आई शो करेगा, पक्का जी आई शो करेगा। आप देखिए, ए ए के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है और एक अलग कंपाउंड ले रहे हो आप जिसमें ए ऊपर है बी नीचे है, तो क्या ये ए ए के बीच में डिस्टेंस चेंज हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो ये वाई, तो क्या ये जी आई शो करेगा? हाँ। तो इंडिविजुअली कार्बन पे हाँ हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग कार्बन है, इन पे ग्रुप सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कार्बन है सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। कोई समझ में आई मेरी बात अच्छे से? बिल्कुल। तो ये हमारे पास होना चाहिए सी, क्या एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है? नहीं। ए बी, और इसमें भी ए बी है या सुनो, तो आप पोजीशन चेंज कर लो। यदि आपने इस एटम की पोजीशन चेंज करी, ध्यान से सुनना, इस कार्बन के एटम की पोजीशन चेंज कर ली और इसकी भी चेंज कर ली, तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिकल। क्या ये आइडेंटिकल नहीं होंगे? क्या होंगे ना। इसको अपन लिखेंगे इस पॉइंट के बाद, पूरा लिखने के बाद, कि आइडेंटिकल पोजीशन भी कहला सकती है। लेकिन अभी तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जी आई शो कर सकता है? हाँ या ना? हाँ। क्या ये करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सी कार्बन पे दोनों सी एक जैसे ग्रुप या एटम हो गए, तो पहला ऐसा ऑप्शन है जो नहीं शो कर रहा। इधर देखो, क्या ये शो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों एच हो गए। क्या ये शो करेगा? ई एफ करेगा या नहीं करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि इस कार्बन के दोनों एचएच हो गए, उस कार्बन पे नहीं है, क्या ये शो करेगा? हाँ, क्योंकि इस कार्बन पे एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो सेम नहीं है, ये करेगा, क्या ये करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो कार्बन है इसके ऊपर दोनों अलग अलग है, या सुनो, तो आ रही है बात समझ में? आप इसको टर्मिनल एल्कीन, इसका मतलब नहीं शो करेगी, ये भी तो टर्मिनल एल्कीन है, टर्मिनल का मतलब कॉर्नर पर, तो टर्मिनल एल्कीन के अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? क्या ये शो करेगी फिर? ये टर्मिनल है या नहीं है? नहीं है, तो ये शो करेगी, देखो इस पे एक इथाइल है और एक हाइड्रोजन है, इस पे एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो ये जीआई शो करेगी या नहीं करेगी? करेगी, बहुत अच्छे से करेगी, क्या ये करेगी? नहीं, क्योंकि ये टर्मिनल एल्कीन है, सही है साउंड, ये करेगी, या सुनो, सॉरी नहीं करेगी क्योंकि टर्मिनल है, इधर देखिए क्या ये टर्मिनल है? नहीं है। अब बताइए इस कार्बन पे तो अलग अलग ग्रुप है लेकिन इस तरफ से आइडेंटिकल है, आप देखो इधर से जाओगे तो भी वही मिल रहा है जो इधर से मिल रहा है, तो क्या ये जीआई शो करेगी? नहीं, ये जीआई शो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इस कार्बन पे दोनों वैलेंसी क्या है? सेम है, दिखना चाहिए आपको, इधर से जा रहे हो आपको कार्बन, इधर से जा रहे हो कार्बन, वो का वही चीज मिल रहा है, क्या ये शो करेगी? नहीं, क्योंकि यहां तो दोनों ही वैसे ही है, कुछ समझ में आया बात अच्छे से? अच्छा इधर देखो, इस कार्बन पे दोनों वैलेंसी अलग है या सेम है? अलग है, इधर से जाओ पहले ऑक्सीजन आएगा, इस तरफ से जाओ पहले कार्बन आएगा, इस कार्बन पे दोनों अलग अलग वैलेंसी हो गई, इस कार्बन पे अलग अलग है, पहले इधर ऑक्सीजन आ रहा है भिड़ते जबकि इधर कार्बन आ रहा है, तो क्या ये जीआई शो करेगी? हाँ हाँ भाई हाँ, सही है, क्या ये जीआई शो करेगी? नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे इधर जाओ वो का वही दिख रहा है जो इधर से दिख रहा है, तो ये नहीं शो करेगी, या सुनो, तो ये तो आपने सीखा जीआई कब शो करेगी कब नहीं करेगी, कब केस, उस केस में जब एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप फटाफट लिखिए जल्दी से, देखिए मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, गुरु मंत्र इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ये ए बी ए बी, अगर आप दो बातें हो सकती है, आप सिर्फ सिंगल पेयर को चेंज करें ए बी और बी ए कर दें, और एक आप दोनों चेंज कर दें, ये बी ए कर दिया और ये बी ए कर दिया, कर दिया, करने में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे बस इतना सा गाइड करिए कि क्या यहां पर डिस्टेंस क्या थी, मान लीजिए यहां पर डिस्टेंस एक्स थी, तो क्या ये डिस्टेंस एक्स रहेगी या एक्स से ज्यादा रहेगी? ज्यादा रहेगी, और मान लिया ये वाई है, सही है, आप मुझे बताएं यहां डिस्टेंस क्या रहेगी, एक्स या वाई या अलग ही कुछ? एक्स, तो अगर वही डिस्टेंस आ रही है ए ए में या बी बी में, दोनों में, तो ये किस तरह के कंपाउंड होंगे? आइडेंटिकल, और ये क्या होंगे? जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर आपने केवल एक पेयर चेंज करा जी आई, दोनों ही चेंज कर दिए, आइडेंटिकल, ये आपने लिख लिया अपने वर्ड्स में, ऑन चेंजिंग वन पोजिशन पेयर वी गेट जी जी आई, अदरवाइज ऑन चेंजिंग ऑन बोथ पेयर वी गेट आइडेंटिकल, ये तो हमारे पास आया जीआई के लिए पॉइंट, अच्छा वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि क्या जीआई केवल एल्कीन में ही मिलता है या कुछ और में भी मिलता है? तो मेरा आंसर है नहीं, और में भी मिलेगा, ऐसी कंडीशन है और भी बहुत सारी क्रिएट होगी, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पॉसिबिलिटीज कहां कहां होगी, यानी पॉसिबल कंपाउंड्स कैन शो जी आई, बस इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, क्या ये कर सकता है? हाँ, फर्स्ट एल्कीन से तो हमने शुरू किया था, सेकंड क्या ये शो कर सकता है?
हाँ क्यों? क्योंकि यहां पर भी बैरियर हो गया, रोटेशन बैरियर। आपने इन दोनों कार्बनों को दो तरह से ज्वाइंट कर दिया, एक तो ये वाले बॉन्ड से और एक ये वाले बॉन्ड से। ये भले ही सिग्मा है लेकिन काम तो कर रहा है दो हाथ से जोड़ने का, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्या ये शो कर सकता है? हाँ। क्या ये शो कर सकता है? हाँ। थर्ड, क्या ये कर सकता है? आप देखिए, ये कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ या ना? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही वैलेंसी है, तो ये नहीं कर पाएगा। एक फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या ये शो करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसकी भी एक ही वैलेंसी है। देखो आप, बची हुई वैलेंसी कितनी है? एक ही। एक दो, इस कार्बन के लिए एक दो तीन, समझ में आ रहा है? अब इसकी वैलेंसी कितनी है? एक ही है ए, और इसकी भी कितनी है? एक ही है ए। अब आपके ए और ए में फिक्स हो गई, तो स्मॉल एल्कीन डज नॉट शो जी आई। ये हम लास्ट में लिखेंगे की पॉइंट के फॉर्मेट में, पक्का। तो साइक्लिक एल्कीन भी नहीं शो करेगी, साइक्लिक स्मॉल एल्कीन डू नॉट शो जी आई। आ रही है बात पॉइंट? अच्छा, अगर ये वाला कंपाउंड बनाएंगे तो ये तो हाईली अनस्टेबल है, इसके पास तो वैलेंसी भी नहीं है और हाईली अनस्टेबल खुद भी अपने आप में। क्या बेटा? लीनियर होता है तो कंपाउंड अनस्टेबल, लेकिन किसी ने बना दिया तो भी आंसर आप क्रॉस कर देंगे। नॉट श्योर, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि लीनियर होना चाहिए और साइक्लिक है। बहुत बड़ी कंपाउंड एल्काइन स्टेबल होते हैं, अगर रिंग बहुत बड़ी हो जाए ना, समझना, तो फिर उस कंडीशन में लीनियर भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाता है। लेकिन दिक्कत यह है, उस कंडीशन में भी ये नहीं शो करेगा। समझ में आ गई बात? सिक्स, अच्छे समझ में आ गया। मान लीजिए आपके पास इस एक और एल्किन ले लेते हैं, और अगर हम इन पे अलग अलग ग्रुप अटैच करते हैं ए और बी, तो क्या जीआई शो करेगा क्या? हाँ या ना? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही इनमें एक ही डिस्टेंस है। यस और नो? सेवन, चलिए ठीक है। अगर मैंने यहां ए और बी यहां लगा दिया तो क्या जीआई होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसी प्लेन में है जबकि बी ऊपर है। अभी सपोज ए तो प्लेन में है, अभी ऊपर हो या नीचे हो, ए के साथ उसकी डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो अभी भी जीआई नहीं शो करेगा। आ रही है बात समझ में? आप खुद सोचो, ये तो प्लेन में है और मान लीजिए ये ऊपर है, मान लीजिए ये ऊपर है, आप ऐसे बनाओ इसको पहले, तो चलो इसको ऐसे ही लिख लो और इसके दो केस बना लो। मान लीजिए ये ऊपर है बी और ये ए यहां है, और मान लीजिए ये नीचे है, तब इन दोनों में डिस्टेंस देख लो। मान लो यहां डिस्टेंस क्या है? एक्स है, तो क्या यहां पर भी एक्स होगी? हाँ, एक्स ही होगी, लिखें। और जब यहां दोनों जगह सेम डिस्टेंस होगी तो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, वो तो मैंने पहले ही काट दिया, नहीं, नॉट शो। एक और केस लेते हैं, ए बी ए बी, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? आप इसको इस तरह से देखिए, इस जगह तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। या सुनो, क्यों? क्योंकि ये पोजीशन फिक्स है, इनमें कोई और डिस्टेंस मिल ही नहीं सकती। क्या इस जगह करेगा? नहीं करेगा। इस जगह भी नहीं करेगा। श्योर? क्या इस जगह करेगा? इस जगह भी नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस मिलेगी। क्या इस जगह करेगा? हाँ, इस जगह करेगा। क्यों? क्योंकि ए ऊपर चला गया,
और बी नीचे चला गया तो अलग डिस्टेंस होगी, और दोनों ऊपर चले गए तो अलग डिस्टेंस होगी, तो केवल इस जगह शो करेगा। तो ओवरऑल ये कंपाउंड जी आई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, यस यस इट कैन शो। नाइन को देखते हैं, ए बी, क्या ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे बताएं हाँ या ना, करेगा किस जगह? इन दोनों के बीच में, यस और नो? बिल्कुल ये करेगा। अगर किसी ने एक और एग्जाम्पल लिया टेन इस तरह का, ए ए ए ए और फिर ए, क्या अब करेगा ये हाँ या ना में? यस और नो? यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि ये कार्बन पे एक ए जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे एक ए जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो दोनों ए ऊपर भी हो सकते हैं और एक ए ऊपर और एक ए नीचे, तो क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ ये जीआई शो करेगा। तो इन चीजों को आप समझें, आ गई बात समझ में? अराउंड दिस अभी भी शो करेगा ये इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, इन दोनों में नहीं, इन दोनों में नहीं, इन दोनों में नहीं। समझ में? इन दोनों में ही होगा बस। देखो इसके दो जीआई बनेंगे, या तो दोनों ऊपर या एक ऊपर एक नीचे। अगर आपने दोनों नीचे कर दिया तो वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस आ जाएगी। किसके आइडेंटिकल? दोनों ऊपर और दोनों नीचे आइडेंटिकल, बिल्कुल। और अगर ये है एक ऊपर एक नीचे और फिर एक ऊपर एक नीचे, ये तो भी आइडेंटिकल है क्योंकि डिस्टेंस सेम आएगी। जीआई का बनेगा दोनों ऊपर एक ऊपर एक नीचे, बस खत्म। तो लिख लीजिए इसको, क्या आपको समझ में आ गया जीआई की बहुत सारी पॉजिशंस? अब मैं कुछ और कंपाउंड्स लेता हूं जिसमें जीआई के बारे में बता पाओगे या नहीं बताते, देखते। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, लोन पेयर और ओएच, लोन पेयर ओएच, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि लोन पेयर भी अपने आप में एक, भले ही ना एटम है ना ग्रुप है, लेकिन लोन पेयर भी अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। दोनों लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस यहाँ क्या है? एक्स है। और अगर अपोजिट हो गया तो डिस्टेंस चेंज होगी या नहीं होगी? होगी, बस। तो इसका मतलब जीआई में हमें लोन पेयर भी कंसीडर करना होगा, ये हम लिखेंगे पॉइंट के रूप में, लिख लीजिए। और इसका जीआई कौन होगा? ये हो जाएगा। क्या ये जीआई शो कर रहा है यानी 11 नंबर का? हाँ जीआई शो कर रहा है। तो 12 देखते हैं हम, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना? बोलो यस और नो? सबकी बोलती चुप क्यों है? नहीं करेगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन है,
साइक्लिक है, तो ये तो केवल इसी तरफ से अटैच होगा। या सुनो, लोन पेयर की हमेशा पोजीशन कहाँ होगी? आउटसाइड ऑफ दिस, तो इसका दूसरा पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं कर पाएगा। आप बना के देखो, आप क्या चाह रहे हो? एक ही तरह से पॉसिबल होगी, रिंग और फिर फिक्स हो गया। तो ये जीआई नहीं शो कर पाएगा क्योंकि यहां से फिक्स हो गई, ये एक तरफ है, ये फिक्स हो गया पूरा, कार्बन की तरह साइक्लिक होते हैं ना वैसे ही। क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ए के बीच में डिस्टेंस, इसको घुमा दिया, करेगा। क्या ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन पे दोनों पोजीशन सेम हो गई, नहीं करेगा। सही है? यानी अगर आपसे मैं 15 इस तरह का कोई एग्जांपल लूं, तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? इस कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई? सेम, नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इस तरह का दे दिया, तो क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इस नाइट्रोजन पे दोनों वैल्यू अलग अलग है, जबकि इस कार्बन पे भी अलग अलग है। या सुनो, तो आप मुझे बताएं ये शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे एक एच है और एक लोन पेयर है, करेगा। अब करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। एल्किन में कोई पोजीशन ही नहीं है और इस नाइट्रोजन पे दो ये रोटेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो आराम से रोटेट कर सकता है, तो नहीं करेगा। अब बताइए, करेगा या नहीं करेगा? कैसे? तो इस कार्बन पे आपको ऐसा लग रहा है ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग है, और इस पे कार्बन पे भी आपको दोनों वैलेंसी अलग अलग दिख रही है, तो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दूसरी पोजीशन, क्या आप इस हाइड्रोजन को उधर लाके इसको इधर ला सकते हो क्या? आएंगे तो ये दोनों साथ आएंगे इधर, नहीं तो नहीं आएंगे। आ सकता है क्या? नहीं ना, ये तो एक ही पोजीशन हो गई। आएंगे तो दोनों, ये वाले दोनों ग्रुप एक ही तरफ रहेंगे, आप ला ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? फिक्स हो गई, आप कर ही नहीं सकते। आप ऐसा कर सकते हो कि ये NH2 को उधर ले जाओ और ऑक्सीजन को इधर ले आओ? नहीं, ऑक्सीजन इधर इधर आएगी तो ये भी इधर आएगा, और दोनों पेयर एक तरफ आते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है? आइडेंटिकल। ऐसा मैंने कहा था, समझ में आ रहा है कि आएंगे तो ये नहीं करेगा। अच्छे एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास प्रैक्टिस में, मजा आ गया, ठीक है। गुरु मंत्र।
यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिग एल्कीन, बिग साइक्लिक एल्कीन, बिग साइक्लिक एल्कीन का मतलब क्या, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ साइक्लिक कार्बन, कार्बन साइकिल के अंदर आठ या आठ से ज्यादा हो, कैन शो जीआई, यानी जीआई शो करेगा। तो बहुत अजीब सी बात है कि ये मैंने एल्कीन ले ली, सही है, कितने कार्बन की एल्कीन है, आठ, आठ कार्बन में, तो अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये जीआई शो करेगी, हाँ या ना, हाँ, कैसे, अब आप कहेंगे सर ये कौन सी है, दोनों बल्कि ग्रुप क्या हो रहे हैं, ये वाले दोनों एक तरफ है, लेकिन ये क्या रह रहा है, एक तरह से क्रॉस वाली भी रखती है, मैं अभी बना नहीं पा रहा 2D में, लेकिन इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, और ये इसके बल्कि ग्रुप क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह और दो और बढ़ाने पड़ेंगे आपको, ये बन जाएंगे आपके, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कुल मिला के आपको आठ बनाने, तो ये बन गए आपके आठ, एक में दोनों बल्कि ग्रुप सेम आएंगे और एक में अपोजिट आ जाएंगे, क्रॉस है बस, कुल मिला के ज्यादा अच्छे से आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। और बड़ा मैं कंपाउंड लेने की कोशिश कर रहा हूं, दस कार्बन वाले, ये लो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि इसमें क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो क्या ये एक दूसरे के जीआई हैं या नहीं है, हाँ ये एक दूसरे के जीआई है और ये एक दूसरे के जीआई हैं, तो बहुत बड़ी एल्कीन है, कितने कार्बन की है, आठ कार्बन की, हो सकता है एग्जामिनर आपको इस फॉर्मेट में दे ये आठ कार्बन बना के, क्या जीआई शो करेगा, हाँ, तो बड़ी एल्कीन जीआई शो करती है, ये मैंने आपको लिखा दिया है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और भी बढ़ा सकते हैं अपन एग्जाम्पल, 19 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, ट्वेंटी की बात करते हैं, वापिस 21, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, तो आप मुझे बताइए क्या 20 जीआई शो करेगा, यस और नो, नहीं, छोटी एल्कीन नहीं करती, क्या बड़ी एल्कीन कर सकती है, हाँ, लेकिन बड़ी एल्कीन में ए भी जुड़ा हुआ है तो भी करेगी, और नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एच एच जुड़ा हुआ है तब भी करेगी, बल्कि कैसे,
ये दोनों ग्रुप एक तरफ आ गए और ट्विस्ट होने की वजह से बड़ी एल्कीन, दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट भी जा सकते हैं। समझ में आ गया? आपको अजीब सा लगेगा लेकिन ये और ये ग्रुप अलग है, ये और ये ग्रुप अलग है और ट्विस्ट हो जाते हैं, इस कारण शो कर जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये दो ग्रुप आपस में, मतलब कहने का मतलब है कोई भी एक पार्ट चेंज हो जाए, कोई भी एक पार्ट चेंज हो जाए तो जीआई जनरेट हो जाता है। तो छोटी रिंग में तो नहीं हो पाता वो, लेकिन बड़ी रिंग में ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी ये ट्विस्ट होके इस तरफ अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन उस तरफ चला जाता है, तो जीआई हो सकती है। कुछ कुछ समझ में आया आपको? बस यही मुझे समझाना है, छोटी एल्कीन में ट्विस्ट नहीं हो पाता। आ गया? अब बताइए ये शो करेगी जीआई या नहीं करेगी? करेगी, इस तरफ करेगी। तो जीआई के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपने कर लिए और अगर आप बहुत बड़ी एल्काइन बना रहे हैं, तो इसमें तो है ही एक ही वैलेंसी, तो ये जीआई नहीं कर रही है। कितनी बड़ी बना लो आप, लिखें इसको। हमने अभी तक जीआई बहुत सारे कंपाउंड्स में देख लिया, साइक्लिक, नॉर्मल एल्कीन, एल्काइन में नहीं होता, एल्केन में नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं जीआई इन क्यूमुलिन। तो पहले तो ये समझिए कि क्यूमुलिन होती क्या है। क्यूमुलिन है इफ ऑल कार्बन, लिखते जाएं, इफ ऑल कार्बन अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, बाय डबल बॉन्ड, कॉल्ड क्यूमुलिन, ठीक है, क्यूमुलिन हो गया हमारे लिए। तो देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट मेंबर है क्यूमुलिन का, सही है। अगर दो ही कार्बन होते तो फिर तो एल्कीन ही था, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तीन कार्बन से स्टार्ट हमने की क्यूमुलिन। या स्वर्णो, ये क्यूमुलिन है, या हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी जमा दो, लेकिन ये क्यूमुलिन हमारा हो गया। या स्वर्णो, तो ये क्यूमुलिन तो क्लास है, सबको क्यूमुलिन बोलेंगे, लेकिन इसका एक और नाम है एलीन। ऑल कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एलीन, बस तीन, लेकिन हर एक को एलीन नहीं बोलेंगे। क्या ये भी क्यूमुलिन है? हाँ, इसको क्या बोलेंगे, एलीन या थ्री कार्बन क्यूमुलिन, जबकि इसको क्या बोलेंगे, फोर कार्बन क्यूमुलिन। इसको क्या बोलेंगे, फाइव कार्बन क्यूमुलिन, क्योंकि मैंने कार्बन फाइव लगा दिया। इज दैट क्लियर? क्यूमुलिन फाइव कार्बन क्यूमुलिन, ये हो गया हमारे पास क्यूमुलिन। हो ये रहा है, आपको मैं, छोटे बच्चे हैं, आपको मेरे को जानकारी देनी पड़ेगी, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है क्यूमुलिन। तो क्या जानकारी देनी पड़ेगी कि पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई। तो क्या ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये क्या होगा, सिग्मा, और ये सिग्मा। या सुनो, दूसरा पॉइंट बताना पड़ेगा, बॉन्ड किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने तरह के होंगे, यहां पर दो तरह के, ऑर्बिटल के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज। ऑर्बिटल दो तरह के होंगे, एक होंगे हाइब्रिड और एक होंगे एटॉमिक।
हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, एक पार्शन बहुत छोटा होता है बेचारों की, और एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरह से होते हैं इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड जनरेट या फॉर्म, जबकि ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अब आप बताइए, पहला चीज ये आपके पास एलीन है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6, 6। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। पाई बॉन्ड किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से। सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूं, तो इसमें कितने ने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 1, 2, 3 इस कार्बन पे पर्टिकुलर। तो आप बिल्कुल सही जा रहे, इस पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जल्दी से बोलो, 3। तो जब इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, 3 से होता है sp3 नहीं होता है, sp2 होता है, 2 से sp, 3 से sp2, 4 से sp3। तो बताइए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। इस पे कौन सा होगा, 2 ही सिग्मा है, sp, और इस पे कौन सा होगा, sp2। यस और नो? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है। sp लीनियर होता है, sp2 प्लेनर होता है, ये भी प्लेन में होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेन में होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये दो प्लेन है, बीच में लाइन है, ये वाली बीच में लाइन है, और ये दोनों प्लेन है। अगर ऐसा होता तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता, प्लेनर। लेकिन एक और ये भी तो केस हो सकता है, इस कार्बन पे प्लेन है, फिर लाइन आ गई, बिल्कुल लाइन आ गई, और ये प्लेन ऐसे है। तो बताइए ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेन में है या नहीं है, नहीं है। तो सारे कार्बन sp या sp2 होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन प्लेनर। हो सकता है, अभी प्रूव नहीं किया कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हो तो सकता है ना, नॉन प्लेनर। दिमाग में भेजा में बिठाओ कि सारे कार्बन पे अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो मैंने यही कहा है मॉलिक्यूल तभी प्लेन में होता है जब सारे प्लेन कोप्लेनर होते। अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होगा, नॉन प्लेनर। कुछ कुछ समझ में आया, दिमाग की बत्ती जल गई, वेरी गुड। मुझे ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट में, कि ये दोनों प्लेनर है लेकिन दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिससे पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। उसे क्या फर्क पड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? तो आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है पीजेड, पीजेड से इसने अपना पीजेड ऑर्बिटल दे दिया, इसने भी पीजेड दे दिया। हर कार्बन के पास पीएक्स, पीवाई, पीजेड, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के। इसने इसको पीजेड दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या यहां पर भी पीजेड बनेगा क्या, नहीं ना, पीजेड से तो इसने इसको दे रखा है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पीवाई पीवाई या पीएक्स पीएक्स। मैंने मान लिया पीवाई पीवाई, यह सुनो। तो अब इसने जब यहां पीजेड दिया है तो ये एस कौन सा होगा, एस पीएक्स पीवाई, यहां कौन सा होगा, एस पीएक्स पीजेड। कुछ समझ में आई बात, पीएक्स पीजेड और यहां, तो ये जो प्लेन होगा यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये एक्स वाई प्लेन में होगा क्योंकि पीएक्स पीवाई से बना है, और ये जो बनेगा वो किससे बनेगा, एक्स जेड से। और एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp एंड sp2 होगा, sp3 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं। तो एलीन में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ओनली sp, रॉन्ग, ओनली sp2, रॉन्ग, sp एंड sp2, यस, ओनली sp3, रॉन्ग,
एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, रॉन्ग, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एस पी एंड एस पी टू, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चीज क्लियर है। एक प्लेन में कितने हाइड्रोजन है, देखो आप मान के चलो ये ऐसे चल रहा है, तो या तो ये दो हाइड्रोजन ले लो एक प्लेन में, या ये दो, चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं है, तो ऑल फोर हाइड्रोजन आर नॉट इन सेम प्लेन, तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन इन सेम प्लेन क्या होगा, टू, मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन इन सेम प्लेन आर टू, कोई समझ में आ गई बात। लेकिन मेरे एक और पॉइंट है, इसको अगर कोई फोटो से समझा दे या डायग्राम से समझा दे तो समझने का मजा ही कुछ और होता है, तो वो काम कौन करेगा, मैं। तो चलिए इसको एक बार और देखते हैं हम, और मैं बुला रहा हूं मेरी क्यूमोलिन को, ये रही क्यूमोलिन, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन है, चारों हाइड्रोजन मान लीजिए, भले ये मेरा पिंक कलर आ रहा है लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए व्हाइट है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा है, पी जेड से बना है, और ये कौन सा बना है, पी वाई से। अब बताइए क्या ये रोटेशन पॉसिबल है, नहीं, बैरियर आ गया, कुछ भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, टूट जाएगा ये पूरा मॉडल, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक अलग प्लेन में, ये इस वाले प्लेन में, और ये इस वाले प्लेन में, तो मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, एटम पूछा जाए तो एक दो तीन चार पांच, हाइड्रोजन पूछा जाए एक दो, कार्बन पूछा जाए एक दो तीन, तीनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं आएंगे, अगर ये आते हैं तो ये जाते हैं और ये आते हैं तो ये चले जाते हैं, आ रहा है समझ में। चलिए अब मैंने इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से चेंज कर दिया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, क्या इन दोनों क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, कितनी है, एक्स है, ये पेयर मैंने चेंज कर दिया, अब बताइए डिस्टेंस क्या रहेगी, एक्स या वाई, एक्स, नॉन प्लेनर होने से एक फायदा यह कि अब आप पेयर चेंज करेंगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो जीआई भी नहीं होगा, जीआई नहीं होगा, कुछ समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। दूसरी तरफ अगर एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, अभी कितने कार्बन थे, तीन, एक कार्बन और बढ़ा देता हूं तो ये कौन सा था, मान लीजिए ये पीजेड पीजेड था, तो ये लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, पीजेड पीजेड, बीच में तो लाइन है एक तरह से, तो क्या सेम प्लेन में आ जाएंगे, हाँ, और सेम प्लेन में आ गए तो फिर जीआई शो करेगा, कर सकता है, कुछ समझ में आई बात। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में नहीं है, ये प्लेन में है, कैसे पता चल रहा है, लिखो वापिस, इसके लिए तो आपने क्या लिख दिया, एलीन के लिए तो नॉन प्लेनर, लेकिन फोर कार्बन क्यूमोलिन, ये एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए, और ये भी एसपी टू है ही, और इसमें एस पी एक्स पी वाई यूज हो रहा है, तो इसमें भी एस पी एक्स पी वाई ही यूज होगा 100%। पांच में मान लीजिए ये एसपी टू है, यहां पर भी एस पी एक्स पी वाई है, पांच में आती, तो बताओ यहां क्या यूज होगा, एस पी एक्स पी जेड होगा, यानी कि पांच कार्बन वाली क्यूमुलिन तीन के जैसी हो गई, चार वाली दो के जैसी हो गई। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहा हूं मैं, ये पी जेड पी जेड, ये पी वाई, और ये वापिस पी जेड पी जेड, तो बचा कौन सा इस पे, एस पी एक्स पी वाई। तो क्या रूल बनेगा आपके लिए, ऑड कार्बन क्यूमुलिन्स आर नॉन प्लेनर,
वेयर एज इवन कार्बन क्यूमुलिन आर प्लेनर। तो ये पॉइंट आपका बन के आएगा क्यूमुलिन के लिए। ये डायग्राम आप बना सकते हैं दोबारा। और मेरा ये कॉन्सेप्ट आप जरूर लिखेंगे। ऑड कार्बन क्यूमुलिन यानी दो चार नहीं तीन पांच सात आर नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने की वजह से डू नॉट शो एंड डू नॉट शो जी आई वेयर एज इवन कार्बन क्यूमुलिन। इवन कार्बन क्यूमुलिन क्यूमुलिन अपन फोर सिक्स एट आर प्लेनर एंड दे कैन शो ऑलवेज नहीं कैन। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप इंडिविजुअली कार्बन पे क्या होने चाहिए अलग अलग एंड दे कैन शो जी आई। या सुनो तो ये जी आई शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट हटा दूं मैं ये। मैंने कहां तक एग्जांपल लिए थे जीआई के? कौन जीआई करेगा नहीं करेगा? 24, 25 से स्टार्ट करें। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई? ये तो लिख सकते हैं। हमारा लास्ट एग्जांपल है आज का ए बी ए बी 26 ए ए बी बी 27 ए बी ए ए 27 8 ए बी ए बी 29 ए बी ए बी और 30। देखिए इधर ऑड कार्बन क्यूमुलिन कभी नहीं शो कर रहा, काट दो जी आई, नॉट शो जी आई, फिर हमें देखना ही नहीं है। इवन कार्बन क्यूमुलिन दोनों एटम एक जैसे हो गए तो नहीं करेगा। इवन कर सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं है, तभी करेगा जब दोनों ग्रुप अलग अलग हो। क्या यहां पर अलग अलग है? हाँ। क्या यहां अलग अलग है? हाँ। तो ये नहीं कि इवन देखते ऑलवेज लगाया, कैन लिखा है मैंने। यहां पर एक दो तीन चार पांच काट दिया, ग्रुप ही नहीं देखा, पांच गिनती ही काट दिया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक बार और गिन लो, नौ ही है, नौ होते ही काट दिया। दस होते तो देखता मैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ काट दिया, और देखते ही मैं काट दूंगा जीआई के लिए। आज के लिए बहुत है, ठीक है। हमारा स्पायरो कंपाउंड यानी जी आई इन स्पायरो। तो पहले तो आप मेरे साथ हैं और आप ये बताएंगे कि स्पायरो होते क्या है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन स्पायरो, स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड आप जानते क्या है? वही जब दो साइकिल एक कॉमन कार्बन पे अटैच होती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्पायरो। यानी हम इसको प्लेन में ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है,
एक स्पायरो नहीं है, अभी तक नहीं, अभी तक तो ये क्या है, साइक्लिक है। अब क्या हो क्या रहा है कि इसका आधा पार्ट पीछे की तरफ है और आधा पार्ट फ्रंट की तरफ है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्पायरो। कितने कार्बन है इसमें, सेवन, 4 प्लस 3 सेवन। तो ये जितने भी कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 छ 7, क्या ये एक प्लेन में, नहीं ये एक प्लेन में नहीं है। आपको लग रहा है प्लेन में है लेकिन है नहीं। कितने मैक्सिमम कार्बन एक प्लेन में आ रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और एक ये 5। नहीं समझ में आ रहा, ये पीछे की तरफ है, ये सामने की तरफ है, ठीक है ना। तो ये पीछे की तरफ है, ये सामने की तरफ है, तो ये उस प्लेन में आ गया, 1 2 3 4 और ये लीनियर उसके पास 5। तो मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं इस जगह, 5। नहीं समझ में आ रही अभी भी, आ गई। तो स्पायरो का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो साइकिल एक कॉमन कार्बन पे अटैच हो रही है, स्पायरो कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि स्पायरो को अगर हम देखते हैं तो अगर हम इन चारों को एक प्लेन में लाने की कोशिश करते हैं तो अगले चार नहीं आ पाएंगे, उसमें एक बाहर की तरफ आएगा और एक अंदर की तरफ आएगा, सही है ना। तो इस हिसाब से क्या मैं इसको अगर ट्रीट करूं तो ये दोनों ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मैंने डबल बॉन्ड से ऐसे शो कर दिया, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे शो कर दिया, और बाकी यहां पर जो भी है वो हमने ऐसे शो कर दिया। क्या मैं इन दोनों को सिमिलर केस मान सकता हूँ इनकी, इन सेंस ऑफ जीआई? हाँ। तो जब भी आपको स्पायरो टाइप दिखेगा तो आप इसको क्यूमुलिन में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद दिमाग लगा लेंगे। तो क्या गुरु मंत्र आपके पास बन रहा है, पहला पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए गुरु मंत्र, पहला इफ टू साइकिल, जल्दी जल्दी लिखिए, इफ टू साइकिल अटैच्ड अटैच्ड विद वन कॉमन एटम, देन इट कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ स्पायरो, इन केस ऑफ स्पायरो टू सक्सेसिव रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर मतलब आसान भाषा में ये एक प्लेन में है, ठीक है। तो ये एक प्लेन में नहीं होगी, फिर नेक्स्ट वाली एक प्लेन में आ जाएगी, फिर परपेंडिकुलर आ जाएगी, तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हो, ये और ये एक प्लेन में होगी और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ये इस तरह है, ये इस तरह है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, सही है। तो ये हमारे पास है तीसरा पॉइंट जो हमारे को समझ में आ रहा है कि जब भी आपको कोई स्पायरो दिखा है, यानी इन केस ऑफ जीआई, इन केस ऑफ जीआई स्पायरो कंपाउंड कन्वर्ट इन क्यूमुलिन एंड देन फाइंड इट कैन शो जीआई और नॉट, जी आई और नॉट,
ये हमारे पास हो रहा है। आ गई बात। तो अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने हैं। एग्जामिनर ने इस तरह से बना दिया, जल्दी जल्दी देखते जाएं। तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल्स पहले यहां तक लिखें, तो अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, ये कोई कंपाउंड है और यहां ए और यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, तो आप इसको कैसे कंसीडर करोगे? कर सकते हो? तो बताओ ये जीआई शो करेगी या नहीं करेगी? ईवन वाली आपकी शो कर सकती है, और ये ईवन कार्बन की है चार। और इसके अलावा आपको क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन, ईवन और ऑड? ईवन, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या देखते हो आप? कॉर्नर कार्बन हैविंग डिफरेंट ग्रुप और नॉट? तो कॉर्नर कार्बन, हैविंग या यहां पर हैविंग डिफरेंट ग्रुप और नॉट? यस, रखते हैं। तो थर्ड रिजल्ट क्या रहेगा? जीआई होगी या नहीं होगी? होगी, यानी ये जीआई शो करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको खुद को मेरे को बताने होंगे और बहुत जल्दी बताने होंगे। तो चलिए देखते हैं आप कितना बता पा रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। मुझे ये बताइए कितने कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे इसको? 1 2 3 4 5। और तो वैसे ही नहीं शो करेगी, नॉट शो जी आई। इसमें देखो 1 2 3 4 कर सकती है, लेकिन कॉर्नर कार्बन पे सेम एटम है, नॉट शो जी आई। 1 2 3 ऑड, नॉट शो जी आई। लिख लीजिए,